अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा राय है। मैं रेजिडेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। इस वीडियो के चार पार्ट्स हैं। ये किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह समझ सकें। वैसे तो इस इन्फेक्शन को बिल्कुल मामूली माना जाता है, लेकिन अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ये किडनी डैमेज करने का सबब भी बन सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर में चोर कैसे दाखिल होते हैं? चोर हमारे घर में खिड़की और दरवाजों से, बैल्कनी से या चोर रास्तों से घुसते हैं। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारी बॉडी में खिड़की दरवाजों के साथ अंदर दाखिल होते हैं। हमारी बॉडी के खिड़की दरवाजे कौन से हैं? आंखें हैं, नाक, कान और मुंह। इसके अलावा चोर रास्ते जैसे कि पेशाब करने की जगह, यूरिथ्रा या फिर टॉयलेट करने की जगह। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जरासीम जो आंखों से नजर नहीं आते लेकिन हवा में और माहौल में मौजूद होते हैं, जब ये यूरिथ्रा से यानी कि यूरिन पास करने वाली जगह से अंदर दाखिल हो जाए तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि घर में हमने ताले लगाए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी चोर जिस तरह से घुस जाते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी में भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं और हमारा डिफेंस सिस्टम उसके खिलाफ काम नहीं कर पाता और हम इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट पर, यानी कि ये इन्फेक्शन होता किस वजह से है। सबसे पहले आ जाता है अनहाइजेनिक कंडीशंस, कपड़ों का कई दिन तक ना धोना और अपने बॉडी को वॉश ना करना, यानी कि कई दिन तक ना नहाना, मैले कुचैले रहना या ऐसी जगहों पे जाना जैसे कि अस्पताल या मार्केट जहाँ पे इन्फेक्शन या जरासीम के चांसेस ज्यादा हैं। ज्यादातर पब्लिक वॉशरूम्स का इस्तेमाल करना या फिर यूरिन पास करने के बाद या टॉयलेट के बाद अच्छे तरीके से बॉडी को वॉश ना करना। इस तरह की किसी भी कंडीशन में माहौल में मौजूद जरासीम यूरिथ्रा से बॉडी में इंटर हो सकते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं मेल की बनिस्बत, क्योंकि औरतों में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो जिस तरह से वो बनी हुई हैं तो यूरिथ्रा बॉडी के करीब है। मेल में आउटग्रोथ पेनिस की शक्ल में होता है जिसकी वजह से यूरिथ्रा बॉडी से दूर है, और जब इन्फेक्शन जब इंटर होता है, जब जरा से बॉडी में इंटर होता है तो वो औरतों में ज्यादा चांसेस होते हैं कि जल्दी बॉडी में इंटर हो जाए। इस वीडियो का सेकंड पार्ट है सिम्टम्स ऑफ यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या अलामत जाहिर होंगी कि हमें पता चले कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है। सबसे पहला और मेजर सिम्टम है बर्निंग मिक्सुरेशन यानी कि पेशाब में जलन का महसूस होना। जब भी यूरिन पास करते हैं तो उसमें एक बर्निंग सेंसेशन आएगी, जलन महसूस होगी। रिलेटेड कंडीशन में फाउल स्मेल होती है, यूरिन की जो स्मेल है वो अनयूजुअल होती है, जैसे कि पहले नहीं थी अब ज्यादा है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन का आना, अर्ज होना, अर्जेंसी, बार बार हाजत होती है यूरिन की लेकिन यूरिन आता नहीं है, तो इसमें से कोई भी अलामत आपके अंदर अगर हो रही है तो आप डॉक्टर से लाजमी रुजू करें और वो एक दो टेस्ट करवाएंगे यूरिन के और उसमें पता चल जाएगा कि यूटीआई है या नहीं। वीडियो का थर्ड पार्ट है ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, जिसमें सबसे पहले तो है कि पानी बहुत ज्यादा पीना है। ये बिला वजह नहीं है, लेकिन पानी ज्यादा पीने का एक रीजन है कि उससे यूरिन बहुत ज्यादा बनेगा, फ्लश आउट होगा, तो आपके जितने जरासीम अंदर बन रहे हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे और इन्फेक्शन को ट्रीट करने में आसानी होगी। दूसरा, क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी सिम्टम्स को रिलीव करने में आसानी मिलती है, लेकिन पानी ज्यादा पीने से और क्रैनबेरी जूस पीने से यूरिनरी इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा, इससे सिर्फ आपके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। ज्यादातर इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंगल और बाकी चीजें कम होती हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसका मेजर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो एंटीबायोटिक्स हैं और वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आप पे कौन सी एंटीबायोटिक देनी है और आपको कितने डोज में देनी है, कितने दिन तक देनी है। इसलिए यूटीआई को कभी भी हल्का मत समझें, मामूली मत समझें, जल्दी इसके लिए डॉक्टर के पास जाया करें और एक प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं ताकि बैक्टीरिया जो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम कंट्रोल करें और किडनी डैमेज होने से बचा सकें। वीडियो का लास्ट पार्ट है प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई यानी कि इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो है यूज प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। क्यों? ज्यादा यूरिन बनेगा, मतलब नॉर्मल जितना होना चाहिए, आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे, नॉर्मल अमाउंट में यूरिन बनेगा, फ्लश आउट होगा, अगर कोई जरासीम बॉडी में गया भी है तो वो मल्टीप्लाई होने के बजाय निकल जाएगा। सेकेंड पे है मेंटेन हाइजीन, आप दिन में एक मरतबा तो लाजमी नहाएं, कपड़े हमेशा धुले हुए पहने, साफ सुथरे पहने। इसके अलावा जब भी आप वॉशरूम से आए तो अच्छे तरीके से खुद को वॉश करें, टॉयलेट के बाद भी और यूरिन पास करने के बाद भी। इसके अलावा काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन वो मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। उन सारी चीजों को अवॉइड करने से भी आप यूटीआई से बच सकते हैं, या अगर हो गया है तो जल्दी उसको आप तशखीस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
लास्ट में अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर करें सदका जारिया के तौर पे, ताकि इस इन्फॉर्मेशन से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस हम डिटेल वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।